बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश और तेज कर दी गई। मोकामा विधायक अनंत सिंह बिहार या फिर देश छोड़कर किसी दूसरे जगह फरार ना हो जाए, इसको लेकर अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इस बात की पुष्टि बिहार पुलिस के हेडक्वार्टर ADG जितेंद्र कुमार ने की है। दरअसल अनंत सिंह के मसले पर पिछले 4 दिनों में पहली बार बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है। अनंत सिंह के फरार हो जाने पर ADG हेडक्वार्टर ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम बनाई गई है। स्पेशल टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जहां तक बात गिरफ्तारी के वारंट की है तो उसके लिए भी कोर्ट में फिर से स्प्रे कर दिया गया है। वहीं लुकआउट नोटिस जारी होते ही गिरफ्तारी में और गति आएगी। बताते चले कि फरार चल रहे अनंत सिंह ने 2 वीडियो जारी किया था। पहले वीडियो रविवार की रात सामने आई थी, जबकि दूसरा वीडियो सोमवार की सुबह सामने आई है। अपने वीडियो के जरिए अनंत सिंह ने सरकार और पुलिस पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और पटना पुलिस उस विशेष टीम के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। सर, एक तरफ पुलिस कोर्ट में वारंट के लिए प्रे करती है और जब कोर्ट से वारंट नहीं मिलता है तो उसी दिन रात में रेड किया जाता है, जबकि उनके खिलाफ जो UAP एक्ट लगाया गया था उसमें पुलिस बगैर वारंट के भी उनको अरेस्ट कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि पुलिस ने चुप कर दी है या फिर अनंत सिंह को एक मौका मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। दोनों तरह के प्रयास, दोनों तरह की कार्रवाई साथ साथ चल रही थी, गिरफ्तारी के लिए भी और साथ साथ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट के लिए। गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने रिफ्यूज नहीं किया था, उस दिन जो है वारंट मिला नहीं, तो जो है उसके लिए फिर से जो है प्रे किया। आज क्या स्थिति है? आज एक बार फिर से, आज मंडे है, कोर्ट से किसी तरह का वारंट के लिए अनुमति मिल गई है? कोर्ट से प्रे किया गया, अभी उसका स्टेटस मिल रहा है। अब आगे पुलिस क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है, क्योंकि वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है उनका और वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर भी। जैसा मैंने बताया कि पुलिस विशेष टीम गठित करके उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है और प्रयास जारी है। उसके साथ साथ लुकआउट नोटिस आदि के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस के लिए चैलेंजिंग है अनंत सिंह को गिरफ्तार करना?